ग्रहों का राशि परिवर्तन होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिषविदों के अनुसार एक निश्चित समय पर ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं। ग्रह का सीधा संपर्क हमारे मानव जीवन से है, इसलिए जब भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं इससे मानव जीवन भी प्रभावित होता है। वही जब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या दो ग्रहों की युति होती है तो एक शुभ योग का निर्माण होता है। इस शुभ योग से 12 राशिफल प्रभावित होता है। किसी के ऊपर सकारात्मक असर पड़ता है तो किसी के ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है। वही बुध और गुरु की यति नव पंचम योग का निर्माण करने जा रही है। इससे किन राशियों के ऊपर सकारात्मक असर पड़ने वाला है जानते हैं देवघर के ज्योतिष आचार्य से। आचार्य जी, कौन सा दो ग्रह मिलकर नव पंचम योग बनाने जा रहा है और कितने सालों के बाद बन रहा है और इसे किन राशियों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है? जय बाबा विद्यनाथ। बहुत दिनों के बाद जिसको हम सोच नहीं सकते हैं, यानी 500 वर्षों के बाद बुध और गुरु नव पंचम राज योग बना रहे हैं। तो नव पंचम राज योग जो है उसमें राशि वालों को तो फायदा होगा ही, विशेष करके देश के लिए यह बहुत अच्छा संयोग है। गुरु और बुध दोनों मिलकर के नव पंचम राज योग बना रहे हैं, इससे तीन राशि वालों का विशेष फायदा होने वाला है। तीन राशि वाले हैं उनको विशेष रूप से फायदा होगा। तीन राशि वाले हैं मिथुन, कन्या और धनु। तीन राशि वाले के यदि छात्र हैं तो छात्र को पढ़ाई में मन लगेगा। यदि अविवाहित हैं और विवाह होकर के टूट रहा हो तो विवाह निश्चित हो जाएगा। यह नव पंचम राजयोग जो बुध और गुरु की कृपा से बन रहा है, इसके बाद अविवाहित का विवाह निश्चित है और व्यापारी, यदि तीन राशि के व्यापारी हैं तो आपका व्यापार निश्चित रूप से आपका आगे बढ़ेगा। यह नव पंचम योग व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए और विशेष करके जो नौकरी की तलाश करने वाले हैं, जिसको नौकरी नहीं मिला है, वे यदि इस तीन राशि में से यदि एक हैं तो आपका बुध और गुरु ऐसा संयोग बनाएगा कि आपको नौकरी का भी चांस मिलेगा। इसलिए आप लगे रहिए और बुध गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप हनुमान जी की आराधना निश्चित करें।